कृपया करके 1 करोड़ रुपए की भीख दान में दे दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं, डेली स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं विकूल के बारे में। विकूल एक ऐसा एडेप्टर है जो कि काफ़ी अच्छा मॉनिटरिंग करता है अपने आपको। सबसे पहले 30 सितंबर को डेटा एनालाइज की रिपोर्ट आ चुकी है और इसका जो टारगेट प्राइस रखा गया है उसको उसके बारे में जान सकते हो आप, आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। तो लेट गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, कौन कौन से स्टॉक रडार पर रहने वाले हैं, सभी से रिक्वेस्ट है लाइव आ जाइए और काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, पहला स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी। 30 सितंबर की डेट में हेम सिक्योरिटीज़ ने इसके टारगेट दिए हैं। टारगेट प्राइस रखी है 2197 रुपये, करंट प्राइस है 1887 रुपये। ओबेरॉय रियल्टी की वो 16% के आसपास की टारगेट रखे गए हैं अपसाइड, ये देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। देन आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ स्क्रीन देखनी है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना अपन को। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एस्कॉर्ट कबूतर लिमिटेड। हेम सिक्योरिटीज ने इसकी रेटिंग दी है और टारगेट रखे हैं 4900 रुपये के, 4974 के, करंट प्राइस है 4200, लगभग 18% की बाई रेटिंग रखी गई है। नेक्स्ट है ब्लेसफन लिविंग। 30 सितंबर को इसके टारगेट प्राइस रखे हैं HM सिक्योरिटीज ने 175 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, करंट प्राइस 175 है और टारगेट प्राइस है 207 रुपये के, जो कि आपको हासिल होते हुए देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है मैन देखने को मिलेगा, मैन इन्फ्रो कंट्रक्शन लिमिटेड। एक्सेस डायरेक्ट ने रखे हैं इसके टारगेट 240 रुपये के, अभी स्टॉक चल रहा है 191 रुपये के आसपास के, 25% के अपसाइड टारगेट रखे गए हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखने को मिलेगा एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ICICI डायरेक्ट ने इसके टारगेट रखे हैं 230 रुपीज़ के, करंट प्राइस है 191 की और 19-20% की अपसाइड टारगेट रखे गए हैं। जैसे कि देखने को मिलेगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपका 181 चल रहा है इसका करंट। नेक्स्ट हम 30 सितंबर को रेटिंग आई है L&T फाइनेंस लिमिटेड की, ICICI ने डायरेक्ट किया है, टारगेट प्राइस है 225 के, करंट प्राइस है 188 की और देखा जाए तो जिसके जो टारगेट प्राइस रखे गए हैं 19% के, एटलीस्ट 90% के अपसाइड के रखे गए हैं, जैसे कि बाई की रेटिंग है। नेक्स्ट स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। एक्सिस ने इसके टारगेट बढ़ाए हैं 275 के टारगेट रखे गए हैं, 248 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 10% की अपसाइड सात टारगेट रखे गए हैं, जो कि 28 सितंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा की आ चुकी है बाई की रेटिंग। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं लेजन एंड टर्बो। L&T लिमिटेड ने शेर खान ने इसके टारगेट प्राइस रखे हैं 4550 रुपये के, 24% अपसाइड टारगेट रखे गए हैं, अभी करंट प्राइस चल रहा है 3653 रुपये के आसपास। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। मोतीलाल ओसवाल ने 290 रुपये के टारगेट दिए हैं, करंट प्राइस चल रहा है इसका 248 रुपये के आसपास का, 16% के अपसाइड टारगेट दिए हैं। नेक्स्ट है क्रॉम्पटन ग्रेविस कॉटन लिमिटेड। आनंद राठी ने इसके टारगेट रखे गए हैं 542 रुपये के, करंट प्राइस है 432 रुपये के आसपास का, तो 27% के आसपास के अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के। नेक्स्ट स्टॉक है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखने को मिलेगा ट्रेंड चेंज हुआ है और अब ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, बाई की रेटिंग है, टारगेट है 2387 रुपये के, करंट प्राइस है 2923 रुपये के आसपास। नेक्स्ट है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। शेर खान ने टारगेट दिए हैं 540 रुपये के, करंट प्राइस है 481 रुपये के आसपास का, 12%